हेलो गाइस, स्वागत है अपन एक टू नॉलेज ऑनलाइन में। गाइस आज हम बताने वाले हैं, अब बिहार से बिलोंग करते हैं, अगर यदि आप मैट्रिक या इंटर का छात्र हैं तो एक बार इसे जरूर देखें, क्योंकि अभी शिक्षा मंत्री की तरफ से ये नया नियम लागू हुआ है, जो कि न्यू पैटर्न आया है। आप देख सकते हैं मैट्रिक एवं इंटर परीक्षा में घटती विकल्प प्रश्नों की संख्या आप यहाँ देख पा रहे होंगे। पिछले 2 वर्ष कोरोना से पाठन पाठन रहा है, मतलब इस कहने का मतलब है कि 2 वर्ष से बंधित रहा है कोरोना को लेकर। अब मैट्रिक और इंटरमीडिएट के अगले 17 वर्ष यानी 2023 के बाद वार्षिक परीक्षा विकल्प प्रश्न की संख्या कम होगी, जो आपका अपेक्षित परीक्षण होता है उसकी संख्या कम कर दी जाएगी। आपको दिखा दें यहाँ से, तो उसको मैट्रिक परीक्षा में 100 विकल्प प्रश्नों की जगह 60 मिलेगा और बदले में 60 की जगह 80 रहेगा, इसमें 48 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इंटरमीडिएट में आपको यहाँ इंटरमीडिएट इसी तरह इंटरमीडिएट परीक्षा में आपको बता दें कि आप यहाँ बोर्ड को वीडियो में पोस्ट करके देख सकते हैं। इसी तरह इंटरमीडिएट में विकल्प को 2 लाख 60 70 के बदले 42 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। जिला शिक्षा कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इसकी जानकारी सभी संबंधित स्कूलों में भेज दी गई है। आपके जो कॉलेज होगा या स्कूल होगा वहाँ तक आपको ये जानकारी पहुँचा दी होगी। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको हम बता रहे हैं गाइस, कोई भी एजुकेशन से संबंधित रिलेटेड वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, या ऑनलाइन प्रोसेसिंग देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर एक आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बदलाव आप देख सकते हैं यहाँ पर। आप सभी को बता दें, जितने भी छात्र 2023 में मैट्रिक और इंटर परीक्षा देने वाले हैं, उन सभी के मन में यह आ रहा होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बदलाव हुआ है, तो सब्जेक्टिव में बदलाव होगा। आपका सूचना सही है, लेकिन आपको यह बता दें कि 2 वर्ष ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो संख्या थी वो दुगुनी कर दी गई थी, लेकिन बिहार बोर्ड की तरफ से अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर कोई अपडेट आया नहीं है। तो आप निश्चित रहें, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपना पढ़ाई जारी रखें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। आप इस पर ध्यान ना दें, आपको हम दिखा दें 12th क्लास का न्यू पैटर्न है, जो 12th क्लास जो साइंस स्टूडेंट उनका ये पैटर्न है, आप देख सकते हैं। फिजिक्स में आपको 42 सब्जेक्टिव रहेगा, केमिस्ट्री में 42 रहेगा, मैथ में 60 रहेगा और बायोलॉजी में 42 रहेगा, हिंदी में 60 रहेगा, इंग्लिश में 60 रहेगा। आपको आर्ट्स का दिखाते हैं, ये आप आर्ट्स वाले का है, ये आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में हिस्ट्री में 60% ऑब्जेक्टिव रहेगा, ज्योग्राफी में 60% रहेगा, इकोनॉमिक्स में आपको 60% रहेगा, हिंदी में 60% रहेगा ऑब्जेक्टिव, और इंग्लिश में भी 60% रहेगा। आपको बिहार बोर्ड 10th का बता दें, तो यहाँ आप देख सकते हैं हिंदी में 60 रहेगा, इंग्लिश में 60 रहेगा, मैथ में 60 रहेगा, संस्कृत में 60 रहेगा, साइंस और सोशल साइंस दोनों में भी 60-60 रहेगा। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही एजुकेशन से अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल बन रही है।